हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मीटर इन इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर के स्टूडेंट को बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मीटर क्या होता है, एग्जामीटर क्या होता है, पेंटामीटर क्या होता है, ऑप्टिकल एग्जामीटर क्या होता है, मोनोमीटर क्या होता है, ट्राईमीटर क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है। हम ये सभी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिलेबल क्या होता है, फुट क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, और इसके साथ ही मीटर को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मीटर की डेफिनेशन है, मीटर इज अ पोएटिक डिवाइस दैट सर्व्स एज अ लिंग्विस्टिक साउंड पैटर्न फॉर द वर्सेस एज इट गिव्स पोएट्री अ रिदमिकल एंड मेलोडियस साउंड। तो मीटर एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो पोयम को एक रिदमिकल और मेलोडियस साउंड देता है, मतलब उस वर्स को, पोयम को हम गा सकते हैं और अच्छे से सुन सकते हैं। जो ताल सुर होता है वो मीटर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आयाम्बिक पेंटामीटर, टैक्टिकल हेक्सामीटर, टेट्रामीटर एटसेट्रा, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन असल में मीटर होता क्या है, अब यहाँ से आगे हम वो जानेंगे। मीटर इज द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक पैटर्न इन अ वर्स और विद इन लाइंस ऑफ अ पोएम एंड अ मीटर कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ सेवरल फीट। तो मीटर एक स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का पैटर्न होता है पोएम की लाइंस में, और एक मीटर में बहुत सारे फीट होते हैं। तो अब हमें मीटर समझने के लिए सबसे पहले सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, फीट क्या होता है, ये सबसे पहले जानना होगा। उसके बाद ही हम मीटर क्या होता है ये समझेंगे। सबसे पहले सिलेबल क्या होता है ये समझते हैं। सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन हैविंग अ वन वॉवल साउंड विथ और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। तो सिलेबल प्रोनंसिएशन का एक यूनिट होता है जिसमें कम से कम एक वॉवेल तो होता ही है, और वॉवेल के साथ कभी कॉन्सोनेंट्स आते हैं कभी नहीं आते, जनरली वहां पे कॉन्सोनेंट होता है। और ये यूनिट प्रोनंसिएशन का, ये यूनिट सिलेबल का, ये यूनिट कभी एक वर्ड बनाता है, कभी एक वर्ड का थोड़ा सा पार्ट बनाता है। अब इन सब को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वर्ड है वॉटर, यहाँ पे दो सिलेबल्स है, वॉ और टर। वॉ में वो कॉन्सोनेंट साउंड है और अ वॉवेल साउंड है, इससे बना वा। ट में ट कॉन्सोनेंट, अ वॉवेल, र अगेन कॉन्सोनेंट, इससे बना टर। तो वा एक सिलेबल, टर दूसरा सिलेबल। इसी तरह इन्फर्नो में तीन सिलेबल आते हैं, इन फर नो। इग्नाइट में दो सिलेबल, इग नाइट। सो में एक ही सिलेबल है सो। लॉन्ग में भी एक ही सिलेबल है लॉन्ग, पूरा एक ही सिलेबल। ये है सिलेबल। अब जानते हैं स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है और अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है। स्ट्रेस सिलेबल वो सिलेबल होता है जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, हम उस सिलेबल पे ज्यादा प्रेशर देते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे वॉटर, वॉक पे ज्यादा प्रेशर आता है, इसलिए वॉक स्ट्रेस सिलेबल है। इन्फर्नो में इन्फर नो, फर पे हम ज्यादा प्रेशर देते हैं, वैसे ही लॉन्ग और इग्नाइट इनमें। अब आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही वाटर बोल लेते हैं, इन्फर्नो, लॉन्ग, इग्नाइट ऐसे ही बोल लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम किस पे प्रेशर दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और एक बात, इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामर है ब्रिटिशर्स से आया है, तो उनके प्रोनंसिएशन ऐसे है, वाटर तो वो पे प्रेशर आता है, इन्फर्नो फॉर पे प्रेशर आता है, हमारे प्रोनंसिएशन वैसे नहीं है, स्टिल हमें उनके प्रोनंसिएशन फॉलो करना है, तो ही ये स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल आएगा। जो अनस्ट्रेस सिलेबल होता है उस पे हम प्रेशर नहीं देते, जैसे सो। आई होप कि आपको स्ट्रेस सिलेबल अनस्ट्रेस सिलेबल समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं फुट। फुट इज अ मेजरिंग यूनिट इन अ पोएट्री विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स। लास्ट स्लाइड में हमने स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल देखा है, अब वो सिलेबल मिलकर कम से कम एक स्ट्रेस सिलेबल और कम से कम एक अनस्ट्रेस सिलेबल मिलकर एक फूड बनता है। तो अ फूड यूजुअली कंटेन्स वन स्ट्रेस सिलेबल एंड एटलीस्ट वन अनस्ट्रेस सिलेबल। लेकिन ये जरूरी नहीं कि फूड में दो ही सिलेबल होने चाहिए, कभी कभी तीन सिलेबल भी एक फूड में होते हैं। सिंपल तरीके से याद रखिए, अगर दो सिलेबल है तो एक फूड बनता है, वहां पे एक स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस सिलेबल होता है। स्ट्रेस सिलेबल इज जनरली इंडिकेटेड
by a horizontal line, ऐसे, whereas the unstressed syllable is represented by a U sign. तो stress syllable के लिए एक hyphen जैसी line use करते हैं और unstressed syllable के लिए U symbol use करते हैं. जैसे example है यहाँ पे, so long as men can breathe और eyes can see. तो यहाँ पे so long मिलकर एक foot बना है, as men मिलकर एक foot, can breathe मिलकर एक foot और eyes मिलकर एक foot, can see मिलकर एक foot. ये जो line है, इससे हमने foot को divide किया है, separate किया है. So unstressed है, long stress है, as unstressed है, men stress है. वैसे ही बाकी के unstressed stress, unstressed stress, unstressed stressed. तो यहाँ पे पांच foot है और ये iambic है. iambic क्यों है? क्योंकि unstressed के बाद stress syllable आता है और ये पूरी line में वैसे ही जाता है, इसलिए iambic है. और ये पांच फुट है इसलिए हम इसको पेंटा कहते हैं और इसको कलेक्टिवली हम आयाम्बिक पेंटामीटर कहते हैं. अब ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये आगे की स्लाइड में हम समझेंगे. अब आपने फुट को समझ लिया है तो कौन सा फुट कौन से टाइप का होता है उसका एक पैटर्न होता है. जैसे अनस्ट्रेस के बाद अगर स्ट्रेस सिलेबल आता है और वहां पे दो सिलेबल होते हैं तो आयाम कहलाता है. लेकिन अगर स्ट्रेस के बाद अनस्ट्रेस सिलेबल आता है और दो सिलेबल होते हैं तो उसे कहते हैं ट्रोकाइक और ट्रोची. फूड टाइप होता है ट्रोची और स्टाइल होता है ट्रोकाइक. वैसे ही स्पॉन्डी में होता है, यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रेस सिलेबल होते हैं. लेकिन एनापेस्ट में अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस ऐसे तीन सिलेबल होते हैं. यहाँ के पहले दो अनस्ट्रेस होते हैं और लास्ट का थर्ड सिलेबल स्ट्रेस होता है. टैक्टिल में भी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस सिलेबल पहले आता है उसके बाद दो अनस्ट्रेस सिलेबल आते हैं. एम्फीब्रैक और पायरिक ये दो रेयरली यूज्ड फूड है. एम्फीब्रैक में अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस आता है और पायरिक में अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस दोनों आते हैं. अब इनका यूज करते हुए हम आगे का समझते हैं. अगर लाइन में सिर्फ एक ही फूड है तो उसे हम मोनोमीटर कहेंगे, अगर दो फुट है तो उसे डायमीटर कहेंगे, तीन है तो ट्राईमीटर, चार है तो टेट्रामीटर, पांच है तो पेंटामीटर, सिक्स है तो हेक्सामीटर, सेवन है तो हेप्टामीटर, एट है तो ऑक्टामीटर. अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम इसको कैसे कहेंगे कि ये कौन सा मीटर है ये समझते हैं. इफ द फीट आर आयाम्स एंड इफ देर आर फाइव फीट टू अ लाइन देन इट इज कॉल्ड आयाम्बिक पेंटामीटर. वही लाइन देखिए, यहाँ पे पांच फीट है, एक दो तीन चार पांच, मतलब पांच है तो पेंटा, ये देखिए फाइव इज पेंटा. और ये स्टाइल, फूड की स्टाइल कौन सी है? अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस. देखिए अनस्ट्रेस स्ट्रेस फॉलो होता है, मतलब है आयाम, आयाम है पांच है मतलब पेंटा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे आयाम्बिक पेंटामीटर. और आयाम्बिक पेंटामीटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीटर है इंग्लिश लिटरेचर में. और एक एग्जांपल लेते हैं, ये डैक्टिलिक हेक्सामीटर है. इफ द फीट आर प्राइमरीली डैक्टिल्स एंड देयर आर सिक्स फीट टू अ लाइन देन इट इज अ डैक्टिलिक हेक्सामीटर. पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं पूरी. दिस इज द फॉरेस्ट प्रिमीवल द मर्मरिंग पाइन्स एंड द हेमलॉक. अब इसको इस लाइन को हम फीट में डिवाइड करते हैं. So, this is the forest tree. ये तीन फीट है. Forest tree. Me well the murmuring pines and the hemlocks. यहाँ पे दो ही आए हैं. लास्ट में ऐसा होता है. अब यहाँ पे पोएट फोर्स नहीं कर सकता कि तीन ही आने चाहिए, इसके लिए वो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाल सकता, इसलिए लास्ट में दैट इज एक्सेप्टेबल. सो यहाँ पे तीन सिलेबल है, तीन सिलेबल का एक फीट, तीन सिलेबल का एक फीट. ऐसे एक दो तीन चार पांच छह, छह फीट है, इसका मतलब ये है हेक्सा, हेक्सामीटर. एंड इट इज स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस. तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस मतलब डैक्टिल. तो ये हो गया डैक्टिलिक हेक्सामीटर. सो अब लास्ट में आते हैं मीटर की तरफ, मीटर की डेफिनेशन की तरफ. अब ये सब समझने के बाद अब आपको समझेगा कि मीटर होता क्या है. मीटर इज अ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबिक पैटर्न इन अ वर्स और विद इन द लाइंस ऑफ अ पोयम. सो मीटर क्या है? जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबिक पैटर्न है वर्स में, पोयम्स में, उनकी लाइंस में,
वही मीटर है। पहले सिलेबल होता है, बाद में फुट, और इन सबको मिलाकर बनता है एक पर्टिकुलर मीटर। इट इज अ पोएटिक डिवाइस दैट सर्व्स एज अ लिंग्विस्टिक साउंड पैटर्न फॉर द वर्सेस एज इट गिव्स पोएट्री अ रिदमिकल एंड मेलोडियस साउंड। सो मीटर एक पोएटिक डिवाइस है जिससे पोयम रिदमिकल बनती है, मेलोडियस बनती है, हम उसको गा सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको रिदम मिलता है, सुर मिलता है, ताल मिलता है। आई होप कि आपको मीटर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।